नमस्ते दोस्तों, जयास किचन जोधपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास कमेंट में आया था कि लहसुन के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कीजिए, तो आज मैं आपके साथ लहसुन के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और जोधपुर में ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो आइए शुरू करते हैं लहसुन के कोफ्ते बनाना। दोस्तों, आज हम लहसुन के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आधा किलो आलू उबले हुए लिए हैं, जिनके मैंने छिलके हटा लिए हैं। दो पूरे गांठे लहसुन के मैंने छील करके पीस लिया है। दोस्तों, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि लहसुन को थोड़ा सा आपको साबुत जैसा रखना है, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा लहसुन उसके मसाले में दिखना चाहिए। 2 से 3 हरी मिर्च मैंने बारीक कटी हुई ली ली है और 2 से 3 मैंने प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मसालों में दोस्तों मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। लहसुन के कोफ्ते की खासियत ये होती है दोस्तों कि ये थोड़े तीखे बनते हैं, तो इसमें हम मिर्च का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करेंगे। 1.5 चम्मच नमक है। नमक हमें डो में भी डालना है और मसाले में भी डालना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 चम्मच जीरा है। आधा चम्मच हींग है। आधा चम्मच साबुत धनिया लिया है। 2 चुटकी करीबन यानी कि 1/4 छोटी चम्मच मैंने मीठा सोडा लिया है, जो कि मैं डो में यूज़ करूँगी। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, पैन मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच जितना मैं ऑयल डाल रही हूँ। तेल को गर्म होने देते हैं। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम इसके अंदर हींग पाउडर डाल रहे हैं, जीरा डाल रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आज हम लहसुन के कोफ्ते बना रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले लहसुन ही डालेंगे। लहसुन के साथ साथ दोस्तों हम इसके अंदर प्याज भी डालेंगे, ताकि लहसुन और प्याज अच्छे से हमारे फ्राई हो जाए। दोस्तों, लहसुन सबसे पहले डालने का कारण ये है कि जब हम लहसुन से छौंक लगाते हैं, तो लहसुन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें हींग जीरे के बाद लहसुन ही डालना है और फिर प्याज ऐड करने हैं। तो मीडियम से लो फ्लेम पर हम इन्हें 1-2 मिनट तक फ्राई होने देते हैं। प्याज और लहसुन हमारे फ्राई हो रहे हैं, तब तक दोस्तों हम आलू को मैश कर लेते हैं हाथों से। आलू को कद्दूकस नहीं करना है, हमें हाथों से ही ऐसे मैश करना है। ये देखिए, आलू हमारे मैश हो चुके हैं। तब तक हमारे प्याज और लहसुन भी फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, लहसुन और प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देते हैं और एक एक करके सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सारे मसालों को दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर हमने जो आलू मैश किए हैं वो ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से दोस्तों आलू के साथ मसालों को मिक्स कर लेते हैं और जो आलू के पीसेस बड़े रह गए उन्हें आप चम्मच से थोड़ा हल्के हल्के प्रेस करते रहिए, ताकि वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए।
तो चलाते हुए तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये सारी चीज़ें अच्छे से एक जैसी मिक्स नहीं हो जाए। दोस्तों मैं आपको खटाई में क्या डालना है ये बताना भूल गई थी। आप चाहे तो नींबू के रस का यूज़ कीजिए और चाहे तो अमचूर। मैं यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप नींबू का शहद वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये हम खटाई के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि मसाला हमारा बहुत ही टेस्टी बने। और दोस्तों कहते हैं कि जब सारी चीज़ें ऐड हो जाए तो धनिया नहीं डालें तो खाने में मज़ा नहीं आता है। कहते हैं कि मेकअप तो कर लिया पर लिपस्टिक अगर नहीं लगाई तो चेहरा इतना हमारा खिलेगा नहीं। वैसे ही अगर धनिया हम नहीं डालें किसी भी रेसिपी में तो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कटा हुआ धनिया भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है स्टफिंग के लिए। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम इसका बैटर तैयार करेंगे कोफ्ता बनाने के लिए। तो मसाला मैं प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। दोस्तों डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी जितना बेसन लिया है। बेसन के अंदर दोस्तों हम 2 बड़े चम्मच जितना मैदा मिक्स करेंगे, इससे हमारा कोफ्ता बहुत अच्छा बनेगा। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1/4 चम्मच मीठा सोडा और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। दोस्तों डो बनाने के लिए हमें एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। दोस्तों बैटर हमें धीरे धीरे पानी डाल करके ही बनाना है। ये ध्यान रखिएगा बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। तो अच्छे से चम्मच से या हाथों से आप जिस तरीके से चाहें बैटर को रेडी करें और अच्छे से बैटर तैयार कर लें। अभी बैटर देखिए दोस्तों थोड़ा गाढ़ा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा पानी और डालते हैं। और अच्छे से बैटर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा बैटर को अच्छे से फैटिए ज़रूर ताकि कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छे बने। दोस्तों इस तरीके की कंसिस्टेंसी से हमें बैटर तैयार करना है। बैटर देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। तो बैटर को एक बार रख देते हैं और मसाला भी चेक कर लेते हैं कि ठंडा हुआ या नहीं हुआ। मसाला दोस्तों ठंडा हो गया है, तो अब हम कोफ्ते की बॉल्स तैयार कर लेते हैं। और गैस पर दोस्तों तब तक तेल गरम मैं चढ़ा रही हूँ। तो बॉल्स तैयार होएगी जब तक हमारा तेल भी गरम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मसाला दोस्तों हाथों में लीजिए और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसकी बॉल तैयार कर लीजिए। साइज़ आप बड़ी छोटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की बॉल्स बना रही हूँ जैसा मार्केट में मिलता है। दोस्तों ये देखिए हमने कोफ्ते के लिए बॉल्स रेडी कर ली है। बैटर हमने पहले ही बना लिया था, तो ये देखिए बैटर भी हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। दोस्तों बेसन के बैटर के अंदर अच्छे से बॉल्स को डुबा दीजिए और उसके बाद धीरे से तेल के अंदर डालिए। इसी तरीके से सारी बॉल्स हम एक एक करके तेल में डालेंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे। गैस मैंने अभी लो फ्लेम पर रखा है क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों। तो ये देखिए बॉल्स हमारी फ्राई हो रही है। तो अब हम एक एक करके इन्हें पलटेंगे। तो धीरे धीरे आराम से इन्हें पलट दीजिए। ये देखिए थोड़ा हमें
अच्छे से इन्हें फ्राई करना है दोस्तों। तो पलटते हुए जब तक ये अच्छे ब्राउन कलर नहीं हो जाए तब तक आप इन्हें फ्राई होने दीजिए। ये देखिए कितने अच्छा इनका कलर चेंज होने लग गया, बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों हमारे लहसुन के कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप इन्हें चटनी के साथ या सॉस के साथ कैसे भी सर्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों फटाफट से हमने घर पर ही लहसुन के कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, जो कि बनाने में जितने आसान है उतने ही खाने में टेस्टफुल होते हैं। तो एक बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है दोस्तों तो अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।